आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर हुआ था, इसमें हम इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इवनिंग शिफ्ट में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, इनका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए है जिसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सामने जो है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आपका मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में भी था, तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कबूतर, तोता, मोर और कौवा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो मोर होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका आंसर, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविद जो थे कौन सी वस्तुओं को दुर्लभ मानते थे। देखिए, दुर्लभ कौन सी वस्तुओं को माना जाएगा, दुर्लभ हमेशा ऐसी वस्तुओं को माना जाएगा जो स्थानीय स्तर पे उपलब्ध ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं थी तो इसलिए ये दुर्लभ मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, जनपद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको इसको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जनपद का मतलब क्या होता है, एक जमीन का टुकड़ा, मैंने ये बना दिया आपके सामने, मान लो ये एक जमीन का टुकड़ा है। ये जमीन का टुकड़ा होता है जहां पे कोई किसी जन के लोग या किसी जाति के लोग या फिर किसी कुल के लोग या किसी जनजाति के लोग आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पे रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाता है जनपद। यहाँ पे किसी शासक द्वारा शासन होता है, जब कई सारे जनपद आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। जब बहुत सारे जनपद आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। जनपद मैंने आपको बता दिया है केवल एक लाइन में, आप मुझे इसका आंसर दे दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं कि 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो था शक्तिशाली बन गया था। भाई, इसके पीछे क्या हो सकता है, किस किस धातु का योगदान हो सकता है। क्या तांबे का होगा, तांबे का अगर होता तो तांबा तो भाई हड़प्पा सभ्यता में भी कांस्य युगीन सभ्यता में था, तो तांबा तो नहीं होना चाहिए। फिर चांदी भी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, सोना भी नहीं लिखना, क्योंकि देखो लोहा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो वैदिक काल था, वैदिक काल में भी खासकर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो खोज हो गई थी उसके बाद के समय में ये आता है मगध वाला, और ये महाजनपद काल जिसे हम कहते हैं उसमें लोहे की बहुत वैल्यू थी। ठीक है, तो लोहा हो जाएगा क्योंकि मगध में जो था लोहे की खदानें वगैरह भी उपलब्ध थी। तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अंतर विवाह और बहिर्विवाह, ये विवाह की पद्धति थी। मैंने आपको बताया था कि जो नियम होते थे ब्राह्मणीय नियम, जिसके तहत कहा गया था कि गोत्र, सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, गोत्र में, गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी होती थी, इस तरीके से नियम होते थे। तो जो गोत्र के अंदर, लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल मिले जो सेम गोत्र में शादी कर लेते थे, सातवाहन जो वंश के राजा वगैरह थे उनमें भी ऐसा मिला है। तो जो सेम गोत्र में सेम जगह में रहने वाले लोग आपस में अगर विवाह कर लें तो अंतर विवाह होता था, लेकिन जो सेम गोत्र में या गोत्र के अंदर शादी नहीं करते थे वो बहिर्विवाह पद्धति होती थी। तो ये अलग अलग इसमें था, आपको एक ही लाइन मतलब एक ही सेंटेंस में बता देना था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, मैंने आपको थोड़ा डीपली बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संत चरित्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए, संत चरित्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, हमको ये बताना है। तो देखो, संत चरित्र जो होता था इसमें किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी लिखी होती थी विस्तार से, तो पहला बिल्कुल सही है। इसमें उस संत की उपलब्धियां लिखी होती कि उसने भाई क्या उपलब्धियां थी, उनके गुणगान यानी उनके विशेषताएं उसमें लिखी रहती थी, और ये परंपरा जो है अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं, यानी कि ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको ये कथन पढ़ना है और बताना है कि कौन सा असत्य है। तो 4 देखिए, ये तथात्मक रूप से पूरी तरीके से सही होती है, ये गलत है कि पूरी तरीके से सही नहीं होते थे ये जो संत चरित्र मिले हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ये वाला था ये आपको असत्य है, आपको यही पहचानना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जो जैन साधु और जो जैन साध्वी होते थे उनके 5 महाव्रत की बात की गई थी। तो मैं 5ों महाव्रत तो बता देता हूँ, जैसे कि सत्य बोलना, चोरी ना करना, अहिंसा का पालन करना, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5ों जो आ जाएंगे इसके अंतर्गत आते थे। तो 5 महाव्रत मैंने आपको बता दिए हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में से सही को चुनना है। इब्न बतूता जो था, ये कहने का मतलब ये है कि इसके सामने सही आंसर दे रखा है, लेकिन इसमें से कौन सा सही है आपको वही पहचानना है। इब्न बतूता मोरक्को से है, ये आपका सही है। फ्रांसुआ बर्नियर फ्रांस से है, ये आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। पीटर मुंडी जो था इससे, क्या कहते हैं, इंग्लैंड से है, आपको ये पहचानना था।
दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाल जो है स्पेन, यहां से पहचानना था। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पहचानना था, लेकिन यहां पे ना कुछ गलत दे रखा है, आपको वो गलतियां पकड़नी है। देखो दुआतो बरबोसा जो है पुर्तगाल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है, यानी कि ये नहीं होगा। पीटर मुंडी जो था वो ब्रिटेन होना चाहिए था, इंग्लैंड, पर यहाँ पे तो फ्रांस दे रखा है, यानी ये भी गलत है। फ्रांसवा बर्नियर, यहाँ पे फ्रांस होना चाहिए था, यानी ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा, अगर हम सही आंसर की तरफ जाएं, तो वो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित है। तो आपका ये सही, आपको आंसर पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, कह रहे हैं कि जाति की जो अवधारणा है उसमें जो अपवित्रता की बात थी, यानी अपवित्रता की जो अवधारणा थी उसके विरुद्ध अल बरूनी ने जो तर्क दिया था, आपको वो बताना। देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में क्या कहा जाता था, जाति प्रथा थी, और उसमें कुछ जातियां ऐसी थी जिसको अपवित्र माना जाता था, अछूत माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, निचली माना जाता था। ठीक है, तो ऐसा ब्राह्मणी व्यवस्था में था, लेकिन इस चीज, वो जो अपवित्रता वाली बात है, अल बरूनी ने इसको नहीं माना, यानी अल बरूनी ने इसका विरोध करा। अल बरूनी ने तो तर्क दिए, उन्होंने कहा कि भाई एक तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि कोई भी मतलब चीज अपवित्र है। वो कहते हैं कि जो भी चीज अपवित्र होती है वो अपनी पवित्रता को पुनः पाने के लिए प्रयास करती है। फिर उन्होंने कहा था जैसे हवा है वो सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से स्वच्छ होती है। समुद्र की बात कर रहे थे, समुद्र के पानी को वो नमक से संबंधित उन्होंने बता दिया था स्वच्छ होता है। तो ये दो तर्क मैंने आपको बताया, इसमें से कोई एक एग्जाम्पल देना था, या तो आप सूर्य वाला दे सकते थे, या फिर आप ये समुद्र नमक वाला बता सकते थे। तो इस तरीके से तर्क जो थे, आपको कोई एक तर्क लिखना था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, कह रहे हैं कि वीर शैव जो है, वीर शैव यानी वीर शैव का मतलब शिव के वीर, लिंगायत वगैरह जो आपने पढ़ा था, इसका नेतृत्व तो किसने करा था, तो ये बासवन्ना हो जाएगा, यानी कि 10वें का पहला हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, पद्मावत, पद्मावत प्रेम से संबंधित एक रचना थी, तो ये किसके रचयिता जो थे, वो थे मलिक मोहम्मद जायसी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी। 12वां क्वेश्चन है, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के जो सुल्तान होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको या तो अश्वपति कहा जाता था, या तो अश्वपति कहा जाता था, या उनको घोड़ों का स्वामी कहा जाता था, या उनको घोड़ों का स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं कि 16वीं और 17वीं सदी में मुगल शासक खालिस्तान फसलों को की खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा देते थे, जिससे उनको ज्यादा कर मिलता था। उस फसल का नाम था जिन्स ए कामिल, नाम से जाना जाता था उसको, जिन्स ए कामिल, यानी कि इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो सर्वोत्तम फसल कहा जाएगा। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम फसल में कौन सी फसल आती थी, जैसे कि कपास आ जाएगी, कपास की फसल, या फिर आप कहोगे गन्ना, जो गन्ना होता था, गन्ने की फसल जो थी वो इसके तहत आ जाती थी, क्योंकि इससे जो टैक्स होता था वो ज्यादा मिलता था, ज्यादा बेनिफिट होता था। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 13वां हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी, इसमें भी युग्म दिए हुए हैं, अब आपको यहाँ पे सही पहचानना है। परगना को ये दे रखा है, पेशकश का ये मतलब दे रखा है, मंडल का ये मतलब दे रखा है, और मनसबदारी का ये मतलब दे रखा है। इसमें से एक ही सही है, आपको वही पहचानना है कि कौन सा सही है। मैं आपको एक बार सबके मतलब बता देता हूँ। परगना का मतलब क्या होता है, परगना का मतलब होता है कि मुगल प्रांतों में प्रशासनिक मंडल, लेकिन ये तो पेशकश के सामने दे रखा है, यानी कि ये परगना गलत है। पेशकश का मतलब क्या होता है, पेशकश का मतलब होता है कि मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली भेंट, पर ये तो इसमें दे रखा है ऊपर, यानी ये भी गलत है। मंडल भी देखो, आपने पढ़ा था पंचायत में जो मंडल होता था, उसे मुकद्दम, मुखिया, मंडल, अलग अलग नामों से जाना जाता था, पर यहाँ पे तो खेतिहर किसान दे रखा है, यानी कि ये भी सही नहीं होगा। तो ये तीन गलत है ऊपर के, तो जब तीन गलत है तो लास्ट वाला सही होगा, ये आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि मनसबदारी जो होता था एक सैनिक नौकरशाही तंत्र होता था, ठीक है, मुगल काल के दौरान अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो लास्ट वाला है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें से कौन सा इतिवृत्त नहीं है, जो इतिहास के बारे में बताता हूँ। अकबरनामा है, ठीक है, शाहजहां नामा भी है, आलिमगार आलिम ओ सॉरी आलमगीर नामा भी है, लेकिन ये जो ऑप्शन खा है ये नहीं है, तो सुलह कुल नहीं होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बाकी देखते हैं एक बार, जब इसकी क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम आ जाएगी तुम्हारे किसी बच्चे के पास, तो आप उसमें से भी मैच कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको ये जो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूँ, मोस्टली 100% सही ही होगा, लेकिन अगर किसी में कोई मिस्टेक होती है तो उसे हम बाद में चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूर्यास्त विधि क्या है, आपको सबको पता है कि ये जो इस्तम्रारी बंदोबस्त था उसमें जो लास्ट डेट होती थी टैक्स जमा करने की जमींदारों के लिए, उसको सूर्यास्त विधि के तहत देखा जाता था, क्योंकि लास्ट
किसी दिन में लास्ट समय में सूर्य ढलने से पहले उनको टैक्स जमा करना होता था। अगर नहीं जमा कर पाते थे तो क्या करा जाता था, उनकी जमीन को, जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये सूर्यास्त विधि है। नव गौथिक स्थापत्य शैली का एक अच्छा उदाहरण आपको बताना है। नव गौथिक जो स्थापत्य शैली थी ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा भारतीयों के द्वारा भी पसंद किया जाता था। तो इसका जो उदाहरण है वो है विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस जो है इसका एग्जाम्पल है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक परामर्शदाता थे वो कौन थे। ये होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन्होंने ही कहा था उन्हें कि पहले तुम भारत में आए हो तो पहले भारत में घूमो और भारत की दशा को देखो कि भाई भारत में क्या है, कैसी है, भारत को समझो। क्योंकि जब 1915 में महात्मा गांधी आए थे विदेश से, बाहर से, उस टाइम पे इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक चित्र दिया हुआ है, आपको उसको चित्र को देखना है, पहचानना है और उसका नाम लिखना है कि उसका नाम। तो मैं आपके सामने चित्र दिखा देता हूँ, दो चित्र हैं, इनमें से आपको पहचानने थे। देखिए ये जो चित्र है यह आपका जो 1857 की क्रांति थी उस वाले चैप्टर से दिया गया है। और इसका नाम क्या है, इसमें देखो एक इसमें क्या है, जो बंगाल का जो टाइगर है, बंगाल टाइगर के लिए मशहूर था, बंगाल का टाइगर जो ब्रिटिश जो शेर है उस पे हमला कर रहा है, यानी उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस चित्र का नाम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से, 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर था हमारा, इसमें देखो ये चित्र है, इसमें ये बताया गया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इस चित्र का नाम है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, यानी कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनका दया भाव दिखाया जा रहा है इसमें। तो ये इस चित्र का नाम था। 20वां जो है इसमें कह रहे हैं कि कथन और कारण दो चीजें दिए गई है, आपको पढ़ना है और इसे पहचानना है। बंटवारे की हिंसा के दौरान औरतों की भयानक अनुभव रहे, बिल्कुल सही कि औरतों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था बंटवारे के दौरान। तो पहला तो जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कारण क्या कह रहे हैं कि प्रकाश टंडन जो थे इन्होंने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास जो था वो पंजाब सेंचुरी के नाम से लिखा था, आपको ये बताना है। तो ये जो है ये भी सही है, दोनों ही सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब ऑप्शन देखो, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है। इसमें कह रहे हैं कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन का स्पष्टीकरण है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कथन और कारण दोनों सही है। एक बार सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको ध्यान से समझना है, बस मैं आपको हिंट दे दूंगा, आंसर आपने क्या लिखे आपको पता ही होंगे। तो देखिए इसके ना पॉइंट जो है बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे, पर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बताता हूँ, इनमें से आपको कुछ लिखने थे और जो मैं नहीं बताऊंगा वो भी इसके पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गुप्त शासकों के इतिहास, किसी भी शासक के इतिहास का अगर पुनर्निर्माण करना है तो हमें इतिहासकार किन चीजों का उपयोग करेंगे, तो सिक्कों का उपयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे सिक्के बन सकता था एक पॉइंट। और वो जो खुदाइयों में जो चीजें मिलते हैं, पुरातत्व, जो पुरातात्विक चीजें, जो भी मतलब जैसे मृदभांड हो जाएगा या कोई और स्थापत्य कला के कुछ सबूत मिलेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जैन बौद्ध जो साहित्य थे, जैन बौद्ध साहित्य थे, उसमें भी इसके बारे में कुछ अगर लिखा हुआ मिला है तो उससे पता लग जाएगा। या फिर हम धार्मिक साहित्य कह सकते हैं, धार्मिक साहित्य में अगर कुछ लिखा मिलता है तो इनसे पता लग जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट बनेंगे, बट हमें यहाँ पे 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताने हैं, ठीक है, पेपर में। क्वेश्चन 22वां देखिए, वैवाहिक संबंधों के कारण मुगल बंधुता के व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके, वर्णन करो। आपको पता होगा कि जो ये मुगल थे जब ये भारत आए थे तो भारत में जो व्यवस्था थी वो अलग थी। अगर हम राजस्थान में जाए वहां राजपूत वगैरह रहते थे तो इस तरीके से था। तो मुगलों ने क्या करा था, एक मतलब बंधुता यानी कि भाईचारा बनाने के लिए एक विवाह वाली जो तकनीक थी वो भी अपनाई थी। जैसे कि आपने अकबर वाला पढ़ा होगा, अकबर ने शादी की थी जोधा से, तो ये भी क्या हो जाएगा, उसका एक उदाहरण हो जाएगा। इसके तहत क्या होता था कि अकबर और ये जो राजपूत थे इनके बीच में कहीं ना कहीं एक संधि हो गई थी, तो संधि का एक तरीका हो सकता है ये। अब यही जो चीजें थी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अब आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई आपस में जब उनकी संधि हो जाती थी तो कुछ जमीन वगैरह गिफ्ट में दी जाती थी, दहेज के रूप में दे दी जाती थी, और आपस में मतलब संधि हो जाती थी, एक दूसरे पे हमला नहीं करते थे फिर उसके बाद, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के आप लिख सकते थे। तो इसका आंसर भी काफी मतलब विस्तार से बनेगा, पर आपको बहुत कम शब्दों में इसका आंसर देना था, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहे हैं कि 1857 के जो विद्रोही थे, विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरव गान किया गया था। उक्त कथन को उदाहरण सहित बताना है आपको। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। आंसर मैटर नहीं करता, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें विद्रोहियों ने कुछ घोषणाएं की थी। उसमें बताया गया था कि मुगल साम्राज्य जो था उस पे, क्योंकि अंग्रेजों औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के आने से पहले जो शासन था वो मुगल साम्राज्य का था। अंग्रेजों ने क्या करा था, उस मुगल साम्राज्य के शासन को ही खत्म कर दिया और अपना शासन बना लिया। तो ये कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के तहत जो विभिन्न समुदाय थे, चाहे वो हिंदू रहे हों, चाहे वो मुस्लिम रहे हों या कोई अन्य समुदाय रहे, उनके बीच में सह अस्तित्व था, उसी के बारे में बताया गया, उसका गौरव गान किया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब मुगल साम्राज्य था तब भारत में अलग अलग समुदाय आपस में ठीक ठाक रहते थे। ठीक है, मतलब उनके बीच में सह अस्तित्व था, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या करा, इन समुदायों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे, इन्होंने क्या करा, इनके बीच में फूट डाल दी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, क्योंकि इन्हें पता था कि जब हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे और फिर ये लड़ेंगे तो हमें इन इनसे जीतने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आते ही मतलब फूट डालने की शुरुआत कर दी थी। ये 1909 से शुरुआत हो चुकी थी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये पहले कुछ समय तक ये व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापार करने लगे, फिर उन्होंने नियंत्रण कर लिया, धीरे धीरे ये समझने लगे थे भारत को। और मुगलों में क्या था कि मुगल भारत में आए, हालांकि मुगलों का शासन भी इतना अच्छा नहीं था, कुछ ऐसे शासक रहे हैं मुगलों में जैसे औरंगजेब वगैरह, जिन्होंने हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा था, मंदिरों को तोड़ा था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। तो सभी मुगल शासक अच्छे नहीं रहे, कहीं आप ऐसा सोचो तो। कहने का मतलब है कि मुगलों के टाइम पे, लेकिन फिर भी कुछ शासक के समय में ऐसा था कि इतनी ज्यादा गलत चीजें नहीं थी जो अंग्रेजों के समय में थी, क्योंकि इन्होंने फूट डालने शुरू कर दी, आपस में एक दूसरे को लड़वाना शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा जो ये अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहे थे, ठीक है, जबरन अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे थे। तो यही सारी चीजें बतानी थी इसमें, और इसमें आपको एग्जाम्पल देके बताना था। तो आप एग्जाम्पल देके बता सकते थे कि भाई जैसे कि अवध, आप एक एग्जाम्पल वो हो जाएगा ना, अवध वाला जो वहां पे उसके शासक को हटाया गया था, तो लोग उसके लिए बहुत दुखी हुए थे। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का अटैचमेंट था उस शासक के साथ। अटैचमेंट क्यों रहा होगा, अटैचमेंट इसलिए रहा होगा कि भाई शायद कहीं ना कहीं मतलब वो इमोशनल अटैचमेंट इसलिए रहा होगा क्योंकि शासक का बर्ताव जो होगा वो अपनी जनता के साथ अच्छा होगा। जनता अपने शासक को तभी तो पसंद करेगी जब शासक अच्छा होगा, उनके साथ व्यवहार अच्छा होगा, उनको उनका शोषण नहीं करता होगा, तभी लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि शायद वो अच्छे रहे होंगे शासक। लेकिन अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में ऐसी भावनाएं क्यों नहीं आई, रीजन ये था कि भाई अंग्रेजों ने कभी ऐसा महसूस ही नहीं कराया कि वो अच्छे हैं। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत के संसाधनों को लूटा जाए, संसाधनों को ज्यादा ज्यादा लूट के मतलब अपना अपना लाभ देखें, बस भारतीयों को नुकसान पहुंचाएं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की, लेकिन आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना था, क्योंकि देखो आंसर जो है केवल 3 मार्क्स में है, तो आपको कम शब्दों में इसको समझाना था। ठीक है, तो ये अभी मोटा मोटा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाद में कभी लास्ट में तैयारी करेंगे तो वहां पे मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन लिखित में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप वहां पे लिखित में लेंगे और इसके पॉइंट को एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 23 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं कि एक कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी, इनको संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा उत्तर के समर्थन में अपने तर्क दीजिए। ये जो कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी, इन्होंने संविधान सभा के बारे में ऐसा क्यों कहा, उसकी जो चर्चा हो रही है उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह क्यों कहा, कुछ तो होगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका पूरा। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे इनके विचार जो थे वो काफी अलग थे। इन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी संविधान सभा बना ली, ठीक है, संविधान सभा में हम बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश पूरी तरीके से आजाद नहीं है।
क्यों? क्योंकि उस समय देश में अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार की बात करें अगर, तो वो अंतरिम सरकार जो थी नेहरू जी की थी। अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सरकार जो आपसी सहमति से बना ली गई हो, क्योंकि उस टाइम पे चुनाव कर पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले संविधान बनाना था। तो इन्होंने कहा कि बेशक से ये संविधान हम बना रहे हैं, लेकिन जो अभी भी अंग्रेज यहाँ से गए नहीं है, जो ब्रिटेन में बैठे हुए अंग्रेज हैं या वायसराय जो वहां के हैं, वो मतलब सारा काम जो है वो लंदन में बैठे हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो भी हो रहा है उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, उनके अनुसार ही हो रहा है क्या। तो उन्होंने कहा था कि हमें अभी आजाद होने की जरूरत है, यानी सारे रूल रेगुलेशन जो है हमें बिल्कुल अपने तरीके से बनाने की जरूरत है। और एक सबसे बड़ी चीज आपको ये भी समझनी है कि संविधान सभा ही हमारा संविधान बना रही थी। चलिए, संविधान सभा हमने बना ली, संविधान सभा के अंदर जो सदस्य हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये संविधान सभा किसके अकॉर्डिंग बनी है? ये संविधान सभा अंग्रेजों की ही बनाई हुई है, अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई थी, उनकी जो योजना थी उसके अकॉर्डिंग ही संविधान सभा बनी थी। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा डीपली पढ़ा है तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैं पूरा इतना बैक में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा ही आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो संविधान के अंदर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं या उसको साकार करने का जो हम काम कर रहे हैं, असल में तो वो संविधान सभा अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई हुई है। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा, क्योंकि जो राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी मतलब देशभक्त नेता थे, वो अलग तरह की संविधान सभा चाहते थे। ये जो संविधान सभा हमारा संविधान बना रही थी, इसको ये नकारते थे, इसको नहीं चाहते थे। एक अलग तरह की संविधान सभा चाहते थे जो पूरी तरीके से मतलब भारतीयों के द्वारा गठन हुआ हो, अंग्रेजों का उसमें कोई 1% का भी रोल ना हो, इस तरीके की बातें थी। तो यही है आपके सामने जो रखा है, और जहां पे लोगों को अपनी अभिव्यक्ति पूरी तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी हो, ये सब था। तो ये आपको 3 नंबर में था, तो कम ही एक्सप्लेन करना था। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 24 तक। और सेक्शन सी में देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 25 ये 8 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको विस्तार से लिखना है। कहने की महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मानदंडों का अध्ययन करने का एक अच्छा स्रोत है, आपको बताना है। यस, बिल्कुल एक अच्छा स्रोत है। मुझे लग रहा है शायद ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए कैसे, क्योंकि प्राचीन समय में कैसा समाज था उसके बारे में हमें महाभारत से जानकारी मिलती है। जैसे कि हमें ये पता लगता है कि महाभारत में किस तरीके से कौरवों और पांडवों, जो एक ही कुल से थे, इनके बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई थी। यानी कि जो सत्ता को लेकर लड़ाई उस समय में थी, वैसी लड़ाई आज भी भाई भाइयों में देखने को मिलती है। ठीक है, विवाह के क्या नियम होते थे ये हमें जानने को मिलते हैं। पितृवंशिकता, हमें पता लगता है ना कि पितृवंशिक समाज था, जो कि आज भी देखने को मिलती है, तो ये है, इससे पता लगता है। फिर और क्या पता लगता है उस समय के बारे में? उत्तराधिकारी के क्या नियम होते थे, शासक के बाद कैसे कौन बन सकता था, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है वहां से। और स्त्रियों की क्या स्थिति थी समाज में, इसके बारे में हमें वहां से जानकारी मिलेगी महाभारत से। और भी कई सारे पॉइंट है दिमाग से मिस हो रहे हैं इस टाइम पे। धार्मिक नियम क्या थे, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे आपने कुछ मनुस्मृति और चांडालों के नियम वगैरह भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं उस महाभारत काल से पता लगता है, और महाभारत से पता लगता है बहुत सारी चीजों के बारे में हमें। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। इसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो मेरे दिमाग से अभी नहीं आ रहे हैं इस टाइम पे पॉइंट, तो मैं आपको, आप एनसीईआरटी पढ़ लें, वहां पे आपको 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे, आप वहां से भी लिख सकते हो। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, इसके ऑप्शन में है शायद ये क्वेश्चन, दूसरा वाला ऑप्शन में दिया होगा। कहने की 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधन पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से प्रकट हुई, प्रमाणों से ही सिद्ध करो। तो देखिए भाई, मैं यहाँ पे आपको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। 600 ईसा पूर्व यानी बात चल रही है यहाँ पे 600 BC की, और 600 ईस्वी यानी कि बात चल रही है यहाँ पे AD की। इस समय के दौरान जो स्त्री और पुरुष के जो सामाजिक हैसियत थी, समाज में जो उनका महत्व था, उसके बारे में बताना है कि हैसियत की भिन्नता संसाधन पर उनके नियंत्रण की वजह से और ज्यादा प्रखर हो गई थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या होता था कि समाज जो था वो पितृवंशिक समाज था, यानी कि परिवार का मुखिया जो होता था वो एक तरह से पिता होता था। तो परिवार का मुखिया जब एक पुरुष है,
तो जाहिर सी बात है कि पुरुष की जो हैसियत है समाज में वो महिला से ज्यादा हो गई यहाँ पे। तो फिर क्या है कि पिता के बाद पुत्र को अधिकार मिल रहे हैं, यानी कि ये जो पुरुष प्रधान हमारा समाज है यहाँ पे भी वैल्यू उसकी ज्यादा है। और फिर संसाधन पे जो अधिकार की बात अगर करें तो महिलाओं का अधिकार संसाधनों पे कम होता था और जो पुरुष होते थे उसका अधिकार संसाधनों पे ज्यादा होता था। ये तो आपको मैंने कम से कम 2 पॉइंट समझाए, आगे समझिए। और एक वो विवाह वाला पॉइंट भी अच्छा है कि जब शादी हो जाती थी जो स्त्री का जो खुद का गोत्र होता था वो हटकर उसे अपने पति का गोत्र लगाना पड़ता था, यानी अपने पिता के गोत्र को हटाकर अपने पति के गोत्र लगाना पड़ता था। इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब समाज में फिर से जो वैल्यू है वो पुरुष की ज्यादा है स्त्री के मुकाबले। संसाधन की बात करें, संपत्ति की बात करें, जमीन जायदाद की बात करें, तो उसमें भी परिवार की बात करें तो पुरुष का अधिकार होता था। तो इस तरीके से जो इससे जो मतलब ये हैसियत थी ये बिल्कुल प्रखर हो रखी थी पुरुष और स्त्री का। तो प्रमाण के लिए अगर आप प्रमाण की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि महाभारत के समय में भी ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्त्रियों को जो अधिकार होते थे वो कम होते थे, पुरुषों के पास ही संपत्ति के ज्यादा अधिकार थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे सकते थे और ये इसके पॉइंट ज्यादा नहीं बनेंगे पर आपको कम पॉइंट में इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा डीपली। अगला देखिए एक बार, ये क्वेश्चन 25 का ऑप्शनल था और ये 26 का देखिए क्वेश्चन। कह रहे कि जो गुरु नानक है, मैंने आपको बताया था एपिसोड वाली वीडियो में करा रखे हैं ये क्वेश्चन कि गुरु नानक, मीराबाई और कबीर, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है और आप दोनों ही पेपरों में देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें गुरु नानक का आया था और जो सुबह वाली शिफ्ट का पेपर था उसमें कबीर पे आया हुआ था। तो गुरु नानक जो थे इनके संदेश उनके भजन और उपदेशों में निहित है, उनकी शिक्षाओं को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना है गुरु नानक की। ठीक है, डीपली एक्सप्लेनेशन के लिए आप एपिसोड वाली वीडियो में देखें, वहां पे बता रखा है। यहाँ पे बता देता हूँ मैं, इनके पॉइंट बता देता हूँ। देखो ये तो निर्गुण भक्ति का प्रचार करा था इन्होंने, और निर्गुण और सगुण क्या होता है ये आपको पता ही होगा। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि इन्होंने आडंबरों की आलोचना करी थी, जो मतलब आडंबर होते हैं ना जैसे कि अंधविश्वास वाली चीजें होती हैं, इन्होंने उसको नहीं माना। और जैसे कि और आडंबर में जैसे यज्ञ करना हो गया या कर्मकांड करना हो गया, ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, आप ये भी लिख सकते हैं मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा इसके तहत। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमें रब पर विश्वास करना चाहिए, रब का कोई लिंग या आकार नहीं होता, यानी जो ईश्वर होता है भगवान होता है वो निराकार होता है। तो एक निराकार आप पॉइंट लिख सकते थे, उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, और इन्होंने जो भी बताए थे अपने विचार सरल भाषा में बताए थे और पूजा करने का एक आस्था रखने की एक अच्छी तकनीक बताई थी इन्होंने, वो क्या थी कि अपने गुरु का नाम निरंतर स्मरण करना, यानी नाम को जैसे जपते हैं हम मन मन ही मन में अपने ईश्वर को याद करते हैं, ये था। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आप याद रख लें। इन्होंने संगठित होकर रहने को कहा था। ठीक है, इन चीजों से पता है क्या पता लग रहा है, इन चीजों से ये पता लग रहा है कि ये कोई नया धर्म नहीं बनाना चाह रहे, ये कोई नया धर्म की स्थापना करना ही नहीं चाह रहे, ये केवल जो धर्म जो हम मान रहे थे चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई मुस्लिम धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो जो उस समय में था, उसमें कुछ बुराइयां कुछ कमियां थी, उन चीजों को ये दूर करने की बात कर रहे थे कि हमें इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे। और इनकी जो बातें लिखी हुई है खास वो आप देखोगे तो इनके जो सिख धर्म में जो उनकी धार्मिक पुस्तक होती है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह में भी आपको थोड़ा विस्तार से ये चीजें मिल जाएंगी देखने को। तो ये हो जाएगा, इसके कुछ पॉइंट हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना था डीपली। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहें तो आप एपिसोड में देखें, वहां पे मैंने लिखित में आपको सारा आंसर दे रखा है पहले ही। क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन में ऐसा है दिया 26 का, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि शक्तिशाली चोल जो 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने, ये जो शक्तिशाली चोल सम्राट थे इन्होंने भक्ति संतों का समर्थन पाने का प्रयास किया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्य और भक्ति परंपरा के बीच संबंधों का वर्णन करो। देखो क्या था जो चोल शासक है, एक तो ये याद रखना कि दक्षिण भारत, अगर मैं भारत का मैप बना दूं, मैं दक्षिण भारत का मैप बना दूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दक्षिण भारत में जब आप देखोगे तो चोल शासक मिलते थे, एक तो ये याद रखना है। फिर ये जो थे ये किस लिए जाने जाते थे, ये मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, दूसरी पॉइंट ये याद रखना है। और जो ये भक्ति संत होते थे तो ये आपको पता है भक्ति संत जो होते थे उनके पास एक बहुत बड़ा मतलब इनके फॉलोवर बहुत ज्यादा होते थे, इन भक्ति संतों को मानने वाले जो लोग होते थे वो हजारों हजारों लाखों की संख्या में होते थे।
तो ऐसे में ये जो शासक होते थे, सम्राट होते थे, वो हमेशा ही संतों के करीब अपने आप को दिखाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि अगर एक संत हमारी तरफ हो गया तो यानी कि उसके लाखों जो फॉलोवर हैं वो भी हमारी तरफ हो गए। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को थोड़ा विस्तार से, पर पॉइंट में आपको इतना डीपली नहीं लिखना था, मेन मेन पॉइंट आपको समझाने थे, ठीक है? खाली मैं समझाने के नजरिए से बता रहा हूँ, यानी कि लाखों लोग इनकी तरफ हो जाएंगे, तो इसीलिए ये संतों का कहीं ना कहीं समर्थन पाना चाहते थे, समर्थन पाने का प्रयास करना चाहते थे। अब होता क्या था कि ये जो संत थे ये अपने आप को राजनीति वगैरह से दूर रखते थे, शासक वगैरह से ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अगर इनको दान में कोई चीज दी जाए शासक के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा, तो वो दान को मना नहीं करते थे, वो दान को ले लेते थे। तो शासकों ने क्या करा, चोल शासकों ने संतों से अपने जो रिलेशन थे उसको ठीक किए, उनको वैल्यू दी, महत्व दिया, और संतों को भूदान दिया। भूदान का मतलब है भूमि दान में दी। उस जो भूमि दान में दी गई वहां पे संतों की प्रतिमाएं वगैरह बनाई गई, संतों के आदर्श रखे गए, लिखे गए, और मंदिरों का निर्माण किया गया, ठीक है? इनके संतों से संबंधित मंदिरों को निर्माण किया गया, या फिर संतों ने जिन जगहों को पवित्र घोषित किया था कि ये इनके ईष्ट का, जो इनके जिनको मानते हैं उनका पवित्र स्थान है, तो उस पवित्र स्थान पे इन्होंने चोल सम्राटों ने वहां पे क्या करा, मंदिरों का निर्माण किया। तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा था, आगे और बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो चोल शासक हैं इन्होंने क्या करा, 9वीं से 13वीं शताब्दी में, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा जो थी उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया, उनको समर्थन दिया। कैसे समर्थन दिया, कि जो भगवान विष्णु थे और जो भगवान शिव थे इनके लिए मंदिरों का निर्माण करवाया, भूमि दान में दी, और इनकी कांसे की मूर्ति बनवाई। कांसे, कांसे की मूर्ति का मतलब है तांबा और टीन जो होता था उसकी मिश्र धातु होती थी, कांसा और टीन, सॉरी तांबा और टीन उसको मिक्स करके कांसा बनता था, उस कांसे की मूर्ति चलती थी उस टाइम पे, ठीक है? कांसे की मूर्ति चलती थी, तो इन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई भगवान शिव की। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको पेज नंबर 146, मैंने एनसीईआरटी पेज नंबर 146 में आप देखोगे तो आपको एक मूर्ति दिखेगी, आपको एग्जाम्पल वहां से अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है? इन्होंने क्या करा, चिदंबरम, अब यहां पे मैं सारा लिख नहीं पाऊंगा, चिदंबरम, तंजावुर और गगैंग चोलपुरम जो था वहां पे बड़े शिव के मंदिर जो थे वो चोल सम्राटों की मदद से ही बने थे। उन्होंने क्या करा था, अपनी हेल्प करी थी उन मंदिरों को बनवाने में, और शिल्पकारों को भी मतलब उन्होंने सराहा था, उनको वैल्यू दी थी, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और इनको नैनार संतों ने, अलवार संतों ने इनको उनको इन्होंने महत्व दिया, तो उन्होंने भी क्या करा, इनका आदर किया, सम्मान किया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखने थे। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहे कि आत्मकथा, सरकारी रिकॉर्ड, अखबार हमें गांधी जी के बारे में जानने में किस प्रकार से सहायक है। देखिए यही सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था, लेकिन वहां पे आपसे घुमाकर पूछा हुआ था, वहां पे ये पूछा था कि गांधी जी के बारे में जानने के लिए कौन से स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो आत्मकथा हो गया, सरकारी रिकॉर्ड हो गया, अखबार हो गया, इनसे ही पता लगता था, लेकिन यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपसे लैंग्वेज घुमाकर दोबारा पूछ लिया यही क्वेश्चन। तो देखिए समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसके पॉइंट बताता हूँ। तो ये किस प्रकार से सहायक है, देखिए क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो कोई आम इंसान मत समझिए, आप उनको एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी समझिए, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में जो हमारी इंडियन जो मीडिया थी या इंडियन जो मतलब न्यूज जो भी इनके बारे में छपती थी वो केवल भारत में वैल्यू नहीं थी, भारतीय मीडिया के से ज्यादा जो यूरोप की मीडिया थी या जो अमेरिका की तरफ की मीडिया थी वो ज्यादा वैल्यू देती थी महात्मा गांधी को। यानी महात्मा गांधी को वहां पे बिल्कुल ऐसे मतलब एक हीरो की तरह दर्शाया जाता था। तो जो न्यूज़पेपर है या जो अखबार है उससे महात्मा गांधी के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिलती है, ठीक है? सरकारी रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये महात्मा गांधी जो थे कई बार इनको जेल जाना पड़ा था, तो जेल जाए क्यों गए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ आंदोलन किए थे, आंदोलन हालांकि इनके शांतिपूर्वक थे लेकिन फिर भी इनको जेल जाना पड़ा था। तो उन आंदोलनों के बारे में,
जब ये इन पे पुलिस में जाते थे, एफआईआर होती होगी कहीं ना कहीं, कोर्ट के सामने इनको लाया जाता होगा, तो कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स भी बन जाते होंगे इनको लेकर कि भाई ये फलाना व्यक्ति था, इस तारीख को इसने ये आंदोलन किया, इसके लिए इसको जेल में डाला गया, ये सजा मिली और इस तारीख को इनको जेल से छोड़ दिया गया, पूरी मतलब एक पूरा कंप्लीट सरकारी रिकॉर्ड बन जाता होगा। तो उस सरकारी रिकॉर्ड से भी महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आत्मकथाएं या फिर दूसरों के द्वारा लिखी गई जो चीजें थी महात्मा गांधी के बारे में, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कुछ महात्मा गांधी के कुछ करीबी थे जो महात्मा गांधी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रहे हों, या महात्मा गांधी के ज्यादा करीब रहे हों, कांग्रेस के नेता हों प्रमुख जो महात्मा गांधी के ज्यादा करीब रहे हों, तो वो महात्मा गांधी को करीब से देखते थे, उनकी सारी जो भी मतलब क्रियाएं होती थी उन सभी चीजों को देखते थे कि महात्मा गांधी किस तरीके से आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कैसा मतलब उनका जो उनके विचार कैसे हैं और किस प्रकार से वो कौन सा कार्य करते हैं आंदोलन वगैरह सब कुछ। तो जिसने बहुत गहराई से बहुत करीब से गांधी जी को देखा होगा, उसने बहुत सटीक चीजें उनके बारे में लिखी होगी, तो इससे भी पता लगता है कि कुछ आत्मकथाएं जो मिली हैं उसके जरिए, या फिर मतलब कुछ दूसरे जो स्रोत मिले हैं महात्मा गांधी के बारे में उससे हमें जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ अफवाह भी बहुत ज्यादा फैलती थी महात्मा गांधी के बारे में, अफवाह में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, चैप्टर वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो उन अफवाहों की वजह से महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा मतलब प्रसिद्धि मिल गई थी कि जहां पे भी जाते थे मतलब कुछ चमत्कार हो जाता था, भीड़ आ जाती थी, बहुत सारे लोग इनको देखने आते थे, बहुत मतलब इनको महत्व दिया जाता था। तो ये सभी स्रोत जो है ना महात्मा गांधी के बारे में जानकारी देने के लिए पर्याप्त है, काफी जानकारी मिल जाती है। इन्हीं चीजों को आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है 27, और इसके ऑप्शन में, शायद इसके ऑप्शन में ही होगा ये अथवा करके क्वेश्चन, एक बार देखें। कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को सही मायने में एक जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? देखिए 1942 में यह आंदोलन हुआ था, इससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से ले जाता हूँ पीछे की कहानी में। देखिए क्या हुआ था, 1914 से 18 जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय में अंग्रेजों को भारतीय सेना की जरूरत पड़ी थी, तो वैसे तो हमें सेना और भारतीयों को उसमें नहीं शामिल होना चाहिए था, लेकिन हम उसमें शामिल हो गए। क्यों शामिल हुए? हमने ये सोचा था कि हमने जो इनसे स्वराज की मांग करी थी या कुछ और मांगे हमारी थी, तो उस टाइम पे ब्रिटेन बेशक से पहले विश्व युद्ध में लगा हुआ था, लेकिन उसने हमें सांत्वना दे दी थी कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए कर देंगे, जो आपकी मांगे हैं हम उसको मान लेंगे, लेकिन कब? जब हमारा ये पहला विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो ये सोच के महात्मा गांधी और मतलब पूरे भारत ने इनको सपोर्ट कर दिया कि ये विश्व युद्ध के बाद हमारे लिए कुछ कर देंगे, लेकिन इन्होंने, विश्व युद्ध खत्म हुआ, इन्होंने भारतीयों की बातों को नहीं माना, इससे क्या हुआ, भारतीयों के मन में निराशा जगी, यानी भारतीय मतलब समझ गए थे कि अंग्रेजों ने केवल और केवल उनका इस्तेमाल किया और उनके लिए कुछ किया नहीं। उसके बाद आप देखोगे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहां से आपको पता लग जाएगा कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या काम किया। इस हत्याकांड में आपको सब कुछ पता है कितना ज्यादा मतलब गलत हुआ था। फिर इसीलिए मजबूर होकर महात्मा गांधी ने 1920 में, आपको विस्तार से ले जा रहा हूँ पीछे, मैं डायरेक्ट पॉइंट बता सकता था पर थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है। 1920 में इन्हीं सभी समस्याओं को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन करा था, असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 में खत्म करना पड़ा, रोकना पड़ा, क्योंकि वो चौरा चौरी जो घटना हो गई थी। फिर उसके बाद भी हमें महसूस हो गया था भाई कि अंग्रेज जो है कुछ बातों को जरूर मान चुके हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रही, ना तो हमें आजादी मिल रही है, ना हमें अधिकार मिल रहे हैं, ना हमें स्वराज मिल रहा है। फिर 1930 के दशक की बात करें तो भी आंदोलन करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, कई आंदोलन हो चुके थे इसके, चंपारण वाला सत्याग्रह आप देखोगे, खेड़ा में जाके आंदोलन करा और कई मतलब आंदोलन करे, ये असहयोग आंदोलन आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी जुड़ गया था, सब कुछ करके देख लिया 1930 के दशक तक, सब कुछ करके देख लिया हमने, लेकिन अंग्रेजों से जो हम चाह रहे थे हमें नहीं मिला, हमें आजादी नहीं मिली। इसलिए 1942 में हम सभी एक चीज समझ चुके थे कि अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि हमें अगर कोई अंग्रेज बोलता है भाई हम तुम्हें ये सुविधाएं दे देंगे, ये समस्या तुम्हारी सॉल्व कर देंगे, तो हमें उस पे विश्वास करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, बस एक जन आंदोलन करना है, और हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो एक चीज क्या है, केवल और केवल आजादी। इसके अलावा हमें कोई लालच नहीं मानना अंग्रेजों का, कोई भी बात अगर अंग्रेज कहते हैं तो हमें उसे नहीं मानना। तो इसलिए 1942 में ये जो आंदोलन हुआ था इसको एक जन आंदोलन कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इस जन आंदोलन में पूरी जनता शामिल हो गई थी, और इस बार महात्मा गांधी थोड़े उग्र रूप में आ गए थे,
करो और मरो वाली स्थिति आ चुकी थी यहां पे, कि या तो करो आंदोलन या फिर मरो। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, जनता का हर एक तबका, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, चाहे वो अदालत में काम करने वाले वकील हो, या कोई भी हो, कोई भी तबका, सभी इसमें शामिल हो गए थे, सबको शामिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि भाई इस बार कह लिए, ये मान लिया था हमने कि चाहे भाई कितनी भी लाठियां खानी पड़े, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें आजादी चाहिए। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन है, क्योंकि जनता ने, हर एक तबके ने इसमें योगदान दिया, सभी इसमें शामिल हो गए, और बहुत बड़ा आंदोलन चला था ये जन जन आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन का मतलब ही वो आंदोलन होता है जिसको जनता के द्वारा चलाया जाए, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक उद्देश्य से चला रहे हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा जन आंदोलन। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा है पीछे से, पीछे का मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको ये 42 वाली बातें आराम से समझ में आए, आपको ये पूरा विस्तार से समझना जरूरी था, पर आपको यहाँ पे पॉइंट जो लिखने थे वो इसलिए लिखने थे कि जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें मजदूरों ने, सभी मजदूरों ने भाग लिया, इसलिए था क्योंकि किसान इसमें आ चुके थे, इसमें स्टूडेंट आ चुके थे, सबने एक उद्देश्य रख लिया था, सबका लक्ष्य एक हो गया था यहाँ पे, आजादी। ठीक है, आजादी चाहिए बस। तो ये बातें थी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, ये क्वेश्चन है 27वां। तो यहां से हमारा सेक्शन सी खत्म हो गया। सेक्शन डी में देखिए, ये आर्टिकल कुछ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं आपके सामने, इसको पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे आंसर देने हैं। ठीक है, और ये हो जाएंगे। तो ये जो है, मैं आपको आर्टिकल जो है एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, एपिसोड वाली सीरीज में मैं आपको वहां पे विस्तार से बता दूंगा, यहां पे नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं, मैप में है क्या, ये मैप वाला क्वेश्चन है और आगे शायद मैप है नहीं इसमें, देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैप तो है नहीं हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पे है। लोथल जो है गुजरात में है, सिंधु घाटी, आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्र था लोथल गुजरात, ये आपको दर्शाना था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, भोपाल, 1870 झांसी को दिखाना था, और सूरत में, सूरत जो है गुजरात में 1857 के अंग्रेजों के अधीन एक शहर, यानी इन चीजों को आपको उसमें दिखाना था मैप में। ठीक है, तो आपको एक बार ये देख लेना है, लोथल और लोथल, सांची का स्तूप, झांसी, सूरत, कोलार, ये चीजें आप यहाँ पे देख लो, फिर मैं चलता हूँ इधर मैप की तरफ। अब ये मैंने आपके लिए मैप बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मान लो आप, ये मान लो मैप है कुछ इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो गुजरात में आप क्या कर दोगे, लोथल, जो गुजरात में पॉइंट दिया होगा आपका लोथल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर आपको कोई पॉइंट मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सांची हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे एक झांसी भी दिया हुआ है। अब झांसी में एक समस्या आ जाती है, समस्या ये आ जाती है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पहले, कि अगर मध्य में देखोगे आप भारत के मैप में, मध्य में, तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको यूपी मिलेगा। तो ये जो झांसी है ना, ये मध्य प्रदेश और यूपी के बिल्कुल आसपास है, बॉर्डर के आसपास। तो क्या होता है कि मैप में जब पॉइंट होता है ना, तो कई बार पॉइंट जो होता है थोड़ा धुंधला होता है, या मैप उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है कि पेपर में हम उसे समझ पाए, और गलती से हम उसको मध्य प्रदेश दिखा देते हैं। लेकिन ये आता उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, बट हमको लगता है ये मध्य प्रदेश की तरफ है। ठीक है, तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि आपको झांसी आए तो आपको उसको यूपी मानना है, ठीक है, मध्य एमपी नहीं मानना है। तो ये हो जाएगा, और लोथल गुजरात में था, ये एक बार एक बच रहे से भी देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाना है, मैंने मैप नहीं ले पाया हूं तो आपको मैं सीधा बता देता हूँ कौन सी जगह किधर है। लोथल गुजरात में दिखा देते, सांची स्तूप एमपी में दिखा देते, झांसी जो है वो यूपी में दिख जाता, सूरत आपका गुजरात में हो जाता, कोलार जो है आई थिंक ये कर्नाटक में है। एक बार कोलार वाला कंफर्म करें, कर्नाटक में है क्या, मैं सही हूँ? और अगर मैं गलत हूँ, मान लो कर्नाटक में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बता दें। तो ये पेपर हमारा यहाँ पे हो चुका है, 44 मिनट की वीडियो बनी है, और मोस्टली सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट थे और आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत। लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है।